कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत लोअर सुनेहत के जंगल में गोली लगने से व्यक्ति की मौत मामले में पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक विजय कुमार के भाई विनोद कुमार की शिकायत पर पुलिस थाना देहरा में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रकाश चंद निवासी गाँव बाहल सलागड़ी डाकघर सूही तहसील देहरा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके छोटे भाई विजय कुमार उर्फ विक्कू उम्र 45 की प्रवीण कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी बाटल सलागड़ी पोस्ट ऑफिस नलेटी तहसील देहरा ने जानबूझकर फेरा लिंक रोड के ऊपर चैनचला जंगल में गोली मारकर हत्या की है। विनोद ने बताया कि करीब 5-6 महीने पहले भी प्रवीण ने उसके भाई के साथ लड़ाई झगड़ा किया था। रंजिश के चलते ही प्रवीण ने उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लोअर सुनेहत के जंगल में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक की पहचान विजय कुमार उर्फ विक्कू के रूप में हुई है। विजय कुमार ट्रैक्टर चालक था। विजय कुमार का शव फेरा लिंक रोड के ऊपर लोअर सुनेहत के जंगल में खाई में गिरा पड़ा मिला। डीएसपी देहरा अनिल कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। धर्मशाला से फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार विजय कुमार उर्फ विक्कू अपने गांव के प्रवीण के साथ शिकार पर गया था। वहीं विजय के परिजनों के अनुसार विजय की साजिशन हत्या हुई है। लोडेड बंदूक शव के पास ही बरामद हुई है। पुलिस ने विजय कुमार के साथी प्रवीण को गिरफ्तार किया है और मामले की आगामी जांच कर रही है। हालांकि गोली लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने मामले की पुष्टि की है।